अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अल्कोहल का ही है। अल्कोहल से रिलेटेड जब भी हम एल्काइल हैलाइड्स की रिएक्शन करते हैं इन दो ग्रुप से, क्या नाम है, फॉस्फोरस हैलाइड्स एंड थायमिन क्लोराइड, ये दो स्पेशल रिएक्शंस हैं, इसीलिए मैं इनके बारे में बात करने वाला हूं। होता क्या है, सिंपल रिएक्शन लिख सकते हैं, ROH के अगर PCl5 के साथ रिएक्शन करोगे तो RCl बनता है और POCl3 बनता है और HCl बनता है। क्या खास बात है, ठीक है, इन दो रिएक्शंस में, और मतलब ROH के साथ अगर PbO3 रिएक्शन करते हैं तो एल्काइल ब्रोमाइड बनता है, H3PO3 बनता है, और ROH का SOCl2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो RCl बनता है, SO2 बनता है, HCl बनता है। इंपॉर्टेंट इज कि अगर हम अल्कोहल से एल्काइल क्लोराइड बना रहे हैं और थायमिल क्लोराइड से रिएक्शन करते हैं तो साइड प्रोडक्ट जो होते हैं गैस होते हैं, तो गैस होने की वजह से ये इजिली रिएक्शन से निकल जाते हैं, इसीलिए इन रिएक्शंस को इस रिएक्शन इसको वन ऑफ द बेस्ट मेथड माना जाता है अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने का। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हम पहले दो रिएक्शंस का मैकेनिज्म देख लेते हैं कैसा रहेगा। मैकेनिज्म कैसा रहेगा कि लेट से कि हम इसका PbR3 से रिएक्शन करते हैं तो अल्कोहल जो है इस पर रिएक्शन करे, इस पर अटैक करेगा फॉस्फोरस पे, क्योंकि इसका मतलब ये जो है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और ब्रोमीन यहां से निकल जाएगा, और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आने के बाद में, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आने के बाद में क्या होगा कि अब क्योंकि ये ऑक्सीजन जो है PbR2 से अटैच्ड है तो ब्रोमीन जो है, ब्रोमाइड आयन जो सॉल्यूशन में बना है नेक्स्ट स्टेप में, वो बैक साइड से अटैक करेगा और इस तरीके से अटैक करेगा और जो प्रोडक्ट है हमारा इन्वर्जन फॉलो करेगा, समथिंग लाइक SN2। दो ये टू स्टेप रिएक्शंस है फिर भी इसमें इन्वर्जन हुआ। इन जनरल जब हम SN1 रिएक्शंस की बात करते हैं तो हमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन नहीं मिलता है, बट ये रिएक्शन ऐसी है इसमें मतलब ये फॉलो SN2 पाथ ही करती है, इन्वर्जन कॉन्फिगरेशन भी होता है, लेकिन आप समझिए इन्वर्जन किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि सबस्ट्रेट का जो ब्रोमाइड आयन है वो बैक साइड से अटैक करता है। लेकिन SOCl2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, SOCl2 के साथ रिएक्शन का एक बार देख लेते हैं मैकेनिज्म कैसे है, ठीक है। इसको SNI भी बोलते हैं, SOCl2 के साथ रिएक्शन, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल रिएक्शन, और इसमें होता है कंप्लीट रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। क्यों होता है ये भी देख लेते हैं। OH ग्रुप इससे अटैक करेगा, O नेगेटिव ग्रुप बनेगा, O टू पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, इस तरह के एक स्पीशीज बन जाएगी। अब यहां पर कुछ नोटिस करिएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, Cl निकल गया, Cl निकल गया, बिल्कुल जैसे ये सबस्ट्रेट बना, इसको सबस्ट्रेट को हम यहां ले जाते हैं, यहां लिखते हैं, और इसमें क्योंकि Cl ग्रुप है तो यहां से पूरा बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होकर ऑक्सीजन के पास में Cl माइनस यहां से अटैक करता है, जो कि एक फ्रंट साइड अटैक है ना कि बैक साइड अटैक है, इसीलिए इसको SNI बोलते हैं, इंटरनल सब्स्टिट्यूशन इसको बोल सकते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल रिएक्शंस। तो इस तरीके से देखिए आप, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन भी हो रहा है, ठीक है, और SO2 भी रिलीज हो रही है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि न्यूक्लियोफाइल जो है कहां से अटैक करा, जो सबस्ट्रेट पे ऑलरेडी है। Br2 में ऐसा नहीं था, Br2 में वो सबस्ट्रेट निकल गया था, जो बाहर ब्रोमीन निकल गया था उसने अटैक किया था, लेकिन यहां पर जो HCl वाला Cl है उसने नहीं अटैक किया है, जो इंटरनल वाला है उसने अटैक किया है। तो देखिए इस वाले में होता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, उसको बोलते हैं SN2 टाइप रिएक्शन, और इसको बोलते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, से बोलते हैं SNI। लिखने का तरीका भी देख लीजिए, N नीचे होता है, 2 ऊपर रहता है। तो आई गेस ये बहुत अच्छी सी रिएक्शंस है। नेक्स्ट टॉपिक में मैं कुछ और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लेके आऊंगा। लाइक करिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए, ठीक है, थैंक यू फॉर